हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप इस समय पे। बोरोन फैमिली आपने पढ़ी थी, अब हम आ जाते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली में हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं आपका दोस्त ए आर दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। हेल्यूज़ हमारा एक प्यारा सा चैनल, और उस प्यारी सी फैमिली के आप और हम बहुत ही प्यारे से सदस्य हैं। चलिए समय नहीं गंवाते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं। नीट और JEE के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक कार्बन फैमिली। सबसे पहली बात, हम कार्बन के अंदर बात करते हैं तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, ठीक है, SN, PB, ये हमारे पास में हुआ करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम पसंद करते हैं, मतलब PbCl4 अगर है और PbCl2 है तो ज़्यादा स्टेबल PbCl2 होगा, इसलिए PbCl4 तुरंत PbCl2 बनना चाहता है। खुद होगा रिड्यूस, सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सी जो कार्बन है उसकी हमारे पास में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हुआ करती हैं। उनमें से दो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड हमारे पास में हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट। ये हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे। अब यहाँ से मैं पॉइंट शुरू करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डायमंड हार्ड होता है ग्रेफाइट से। डायमंड में हर कार्बन sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट अपने आप में गुड कंडक्टर नहीं साहब, कंडक्टर होता है केवल। रीज़न होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, शीट लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थर्मली कार्बन से ज़्यादा स्टेबल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आप इससे नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं और आपको कैसा लग रहा है। उससे क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है। और चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिए। मैंने कार्बन और ग्रेफाइट के बीच की सारी बातें आपको सिखा दी हैं। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन अगर कोई है तो वो ग्रेफाइट है, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा ज़ीरो हुआ करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फ्लोरिन्स हमारे पास में जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हुआ करते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तरह से भूलिएगा मत, ठीक है। उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप कि अपने आप में अमेजिंग स्टेप है, बहुत ही अमेजिंग स्टेप है, वो क्या है कि कार्बन के तीन प्यारे से ऑक्साइड हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और C3O2। C3O2 में कार्बन की स्टेज जो हुआ करती हैं वो +2 और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपको सोना नहीं है बिल्कुल भी, कि कैसा लगा आपको, क्या नई चीज़ मैं आपके लिए दूँ जिससे कि आप कहेंगे सर वाओ मजा आ गया। और लाइक ज़रूर करिए, अगर चीज़ें पसंद आती हैं लाइक ज़रूर करिए। मुझे पता है आप शेयर नहीं करेंगे, कम से कम लाइक ज़रूर करिए। बहुत अच्छी रिवीजन सीरीज चल रही है आपकी, सब कुछ रिवाइज होता जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। कार्बन से हम आगे बढ़ते हैं सिलिकन में। SI अगर हम बात करेंगे तो SiO होता ही नहीं है, और SiO2 CO2 की तरह लीनियर नहीं होता। SiO2 में SI sp3 हुआ करता है, और CO2 में CSP हुआ करता है, SP हुआ करता है। ये ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसी तरह से अगर हमारे पास में CCl4 है और एक्वस के OH डाल दिया, पॉइंट नंबर फोर CCl4 है और इसके ऊपर अगर आपने एक्वस के OH डाल दिया तो वो एक्वस के OH लगा देता है और थोड़ी देर में H2O निकाल करके CO2 बना देता है। लेकिन अगर हम SiCl4 के अंदर एक्वस की OH डालते हैं तो वो OH बनाता है, H2O नहीं निकालता, वो एक दूसरे से लिंक हो जाता है, एक दूसरे से लिंक। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5। हमारे पास में क्या होता है, सिलिकॉन्स। हम सिलिकॉन्स की बात करते हैं, जब हम सिलिकॉन्स की बात करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्या कि जो सिलिकॉन्स हुआ करते हैं इनके अंदर हमारे पास में लिंक होते चले जाते हैं। जैसे मेरे पास में RCCl3 अगर होगा तो ये क्या है, इसमें एक्वस की वच या वाटर डालेंगे तो OH लग जाएंगे,
थोड़ी देर में कार्बन के ऊपर दो एच स्टेबल नहीं होते, H2O निकल जाएगा, CUH बन जाएगा, लेकिन RSiCl3 अगर है तो हमारे पास में OHOH लगेंगे और एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं जोड़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन, ठीक है। अगर हमारे पास में केवल एक हेलोजन लगी हुई है RSiH2Cl, तो ये होता है टर्मिनेशन, मतलब रोक देता है। याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास में कार्बन के CCl4 की बात करते हैं तो वाटर से रिएक्ट नहीं करता वो इसी, क्यों? डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से, ठीक है, जबकि SiCl4 बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लिया करता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6। सिलिकेट्स याद करके जाएंगे, इनमें से किसी ना किसी एक को आना होता है। NCERT से बाहर वाले याद करिएगा, NCERT में तो एक दो दे रखे हैं, लेकिन आपको NCERT से बाहर वाले याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 7, हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे PBO, PBO2, PB3O4, ठीक है। PB3O4 को क्या बोलते हैं? रेड लेड। इसी तरह से आप लिथार्ज को याद रखिएगा, ठीक है। मसिकट, ये हमारे पास में लिथार्ज मसिकट ये हुआ करते हैं, ऐसे नोट वाले, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसमें लेड एसीटेट को हम एक तरह से मीठा जहर भी कहते हैं। मीठा जहर, हाँ, स्वीटनेस मीठा होता है लेकिन पॉइजनस होता है, मीठा जहर है। CH3CO होल ट्वाइस PB, लेड एसीटेट, ठीक है। अब लेड एसीटेट को कहाँ यूज करते हैं? लेड एसीटेट को गुस्सा ना आए उसके लिए लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, मतलब जैसे कोई कहीं पे कैंप होता है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज होती है जहां पर लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहां पर लेड एसीटेट को लिक्विड फॉर्म वाली, जैसे हमारे पास सब्जी है, चाय है, दूध है, उसमें डाल दिया जाता है, उसे जो पीता है वो गुस्सा कम करता है, लेकिन ये जहर है, ज़्यादा नहीं डाला जा सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो चलते चलते लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा टॉपिक है, लेकिन चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमसे कहीं पर कोई कहता है बेसिक लेड कार्बोनेट, तो PbCO3.PbOH2, बेसिक शब्द तभी लगता है जब हम उसका OH वाला कंपाउंड ले लिया करते हैं, तो PbCO3.PbOH2, दिस इज नोन एज बेसिक लेड कार्बोनेट। तो ये हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें आपके लिए हो गई थी, और मैं होप करता हूँ कि कार्बन में आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कार्बन के कार्बाइड्स की फंडे मैं सेकंड में ही आपको समझा चुका हूँ, बहुत छोटा सा ऑडियो था। अब इसके बाद नेक्स्ट आप मेरे से क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, नॉबल गैस इनको शुरू करूं, या पहले D&F करूं, या फिर मेटलर्जी, या फिर ऑर्गेनिक, जो भी आपको लगता है उसे फटाफट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप जो लिखेंगे मैं वही दूंगा। इस चैप्टर में तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको एज इट इज समझा दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में कल आपसे, कल सैटरडे है, कुछ नए विजन और व्यू के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और जुड़े रहिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दो दोस्तों को ये ऑडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।